कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त खुद वापस की, ये उसके ऑर्डर के अंदर मौजूद। ये बातें अभी सारी दुनिया को नहीं पता क्यों वापस की। वो तंग आ चुके थे नून लीग और मीम लीग की, सुल्तान मखलूलुद्दीन की और बेगम सफदर आहान की पॉलिसियों से, जिससे वो 1% भी इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्होंने तंग आके कहा कि यार जो तुझी सांप कटना है कट लो, मैं चलाऊ अंदर। उनके वकील ने जनाब दरखास्त दी कि जनाब हम वापस करते हैं, ये उनके ऑर्डर में लिखा हुआ। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स के जो है खानदान के अंदर की सियासत, और वो जो नून लीग की और मीम लीग की जो एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट एंटी राष्ट्रीय इदारे एंटी अदालती इदारे उन्होंने रखा हुआ था मौका अपनी तरफ से, वो समझा समझा के थक गए थे 2 साल से अपने आप पर अपने बेटे को बचाने के लिए, जो मकैनिकी कर रहे थे, जो यारी मकारी चलाकी करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बड़ा समझाया इनको, नून लीग को और मीम लीग को, ना करो किसी और तरीके से मामला चलाओ। जब इन्होंने देखा कि नहीं, इन्होंने कसम खा ली है सुल्तान मखलूलुद्दीन और बेगम सफदर आहान साहिबा ने, और कहा चलो फिर जो तुझी साफ करना है तो मैं चला। अब वो इराक अंदर बैठ गए। अब कोई दूर दूर तक पंजाब के सदर हमदा जनाब आपका हमदा शहबाज साहब, वफाक के सदर शहबाज शरीफ साहब चुप, कोई आजकल सुनाई नहीं दे रहा किसी को, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई खत, कोई किताबत, कोई लहरा, कोई गहरा। उन्होंने कसम खा ली भाई जो आपने करना है कर लो, हमारा तुम्हारा से लेना देना नहीं, और अपनी जमानत की दरखास्त वापस दी। अब नून लीग बाहर, छीन लीग अंदर, और मीम लीग खुल के जनाब अपना नाच नाच रही है। लेकिन एक बात बड़ी तयशुदा है, मैं बड़े दिनों से ये बात कह रहा हूं, मेरे अलावा बाकी भी मेरे कोलीग्स कह रहे हैं, मीम लीग ने नून लीग के कहने पे जितना खेलना है उतना उनकी सियासत का बेड़ा घर को सत्यानाश करना है। अब मैं आता हूं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक जनाब कहते हैं रिगिंग हुई 2018 के इलेक्शन में, सिलेक्टेड वजीर आजम क्या बोल रहा है, जो निग्लेक्टेड है, जो रिजेक्टेड है, जो डिफेक्टेड है, आवाम की तरफ से भी अदालतों की तरफ से भी हर तरफ से। मैं इनके सामने आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मुख्तसर सा डेटा रखूंगा। 2013 का इलेक्शन हुआ, 410 रिट पिटीशन हुई के धारणी हुई है, 410 रिट पिटीशन के फैसले की रिपोर्ट है। 2018 के इलेक्शन में 95 जनाब आपकी रिट पिटीशन हुई है, और 95 में से 45 जो है वो पंजाब से निकल का है, और उस 45 में से 13 जो है वो पीटीआई की तरफ से है, और 11 जो है वो अपोजिशन की तरफ से है, वो भी पूरी नून लीग की तरफ से नहीं है। दोबारा बोला दो, 2013 का इलेक्शन जो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन था, जिस इलेक्शन में सुल्तान मखलूलुद्दीन 9 बजे मुतालबा कर रहे थे, पता नहीं किनको मुतालबा कर रहे थे कि मुझे 2.5 अक्सरियत चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम मुझे कोई कबूल नहीं है। जमहूरियत के मामले में चाचे बनते हैं, उनसे पूछो ये 9 बजे अभी 20% भी रिजल्ट नहीं आया था, ये किससे आप दुहाइयां कर रहे थे, किससे आप पूछा पंजाबी मांग रहे थे। वो जो रिग्ड इलेक्शन था उसके हवाले से 4 हलकों का सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई ने कहा था कि जनाब तो पूरा 1 साल फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पर गुजारा था पीटीआई ने। पहला साल 2014-2013 कोई भी छेड़खानी की, कोई इनकी अमूर मुमलकत इनकी अमूर हुकूमत के रस्ते में रुकावट नहीं बने। सर कहा 4 हलके खोल दो, इन्होंने कहा नहीं जरा, बड़े ताने बड़े दशना बड़े इल्जाम बड़े तंज बड़े इस्तेहजा इनके मुजरा की तरफ से आते थे 4 हलकों के वाले से। लेकिन खुदा की जात शाहिद है और पाकिस्तान का मीडिया और 22 करोड़ आवाम शाहिद है,
वो चारों के चारों हल्के बाद में सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में खुले और चारों के चारों हल्कों में रिगिंग साबित हुई और चारों के चारों में इलेक्शन दोबारा से जमा करवाने का आर्डर हुआ। वो 2013 का इलेक्शन जिसमें ये सुल्तान मफरूरुद्दीन वजीर आजम बने थे और पहले 6 महीने बड़ी दिलचस्प बात का रखा, इनकी पहले 6 महीने की वजारत है उसको आपकी सारी कमी पुकार के रख ले, इनकी वीडियोस, इनकी फोटोग्राफ बिल्कुल रंग फक होता था, हसीदार की चीज इनके चेहरे पर नहीं आती थी, क्योंकि इन्हें डर होता कि यार मैं किस तरह बन गया या जिस तरह बना उन्हें पता था कि किस चोर बाजारी के साथ, किस दो रवि के साथ, किस चौधरी इतिहास के साथ, किस जो है बाकी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स करेक्टर्स के साथ मैं जनाब वजीर आजम बना हूं और मुझे ये 2/3 मेजॉरिटी मिली है। इनकी हंसी लायक थी चेहरे से बिल्कुल कुकू को की तरह जनाब इनके स्वर्ण आंखों में जरा फजा में रहती थी, मुझे पता था इनको। तो जो 2013 का वो इलेक्शन था उसमें आप सिलेक्टेड हुए थे, दूसरा 2018 का इलेक्शन जिसका आप बड़ा टी टी टाटा करते हैं कितना सिलेक्टेड 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 और आपके किराए के तर्जमान भी सारे, तो मैंने आपके सामने रख दिया 95 कहां 410 एप्लीकेशन और रिपिटिशन कहां 95 और उस 95 में भी पंजाब के सिर्फ 2 डिवीजनों की पार्टी है नून लीग, लेकिन पूरे पंजाब में से टोटल 11 रिपिटिशन थी, फिर किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट कोई दलील कोई पेपर कोई सबूत ना इलेक्शन कमीशन को ही दे सके और ना फिर आपकी जो पार्लियामेंटरी जनाब आपकी कमेटी बनी थी पार्लियामानी ना उसके अंदर ही आए ना उसको प्रस्तुत किया। वो कहते हैं जनाब सिलेक्टेड आवाम की नजरों में धूल झोंकते हैं। साबित यह हुआ कि 2013 का इलेक्शन रिक्त था, जो 410 लोग गए करोड़ का भाई हमारे से जाती हुई। फिर कहते हैं आरपीएस सिस्टम बैठ गया, आरपीएस सिस्टम जहां जहां बैठा वहां पीटीआई हारी 1000 वोटों से 500 वोटों से 2000 वोटों से। अब रिगिंग तो हमारे साथ हुई थी लेकिन फिर भी कभी हमने इसके ऊपर बावेला नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए इन रिजेक्टेड निग्लेक्टेड और डिफेक्टेड अफराद की तरफ से। ये जो सिलेक्टेड सिलेक्टेड की बात करते हैं, 2.25 करोड़ आवाम ने दिलो जान के साथ सर पे बैठा के पलकों पे सजा के कंधों पे बैठा के सीने से लगा के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को पीटीआई को वोट दिए थे, तब जाके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब वजीर आजम भी बने थे और पीटीआई इकतदार में आई थी। इसके बाद ये जो बम बम छिकी छिकी बम बम हर रोज क्रूर बम हमले बनाया, एटम बम हमले बनाया, शाहीन मिसाइल बम हमले बनाया, इन्होंने जो एक बात की मैंने कल उसका जवाब दिया बड़ी वायरल हुई टीवी चैनल में भी और सोशल मीडिया में भी। सबसे पहले तो एटम बम लेते हैं, देखिए अगर तो एटम बम इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर बना होता, इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर, और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए की डोनेशन और फंड आले शरीफ ने अपने हलाल की कमाई में से हलाल की कमाई में से वो पाकिस्तान की रियासत को डोनेट किया होता। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनाब हथौड़ी पकड़ के मैकेनिकी कर रहे होते, शहबाज शरीफ साहब छैनी पकड़ के इंजीनियरिंग कर रहे होते, हमजा शहबाज साहब पेचकस पकड़ के एटम बम के पुर्जों के पेश कस रहे होते, और बेगम सफदर अमान साहिबा इनकी जो दिन रात मेहनत वहां पर स्मार्ट फाउंडेशन में हो रही होती थी, दिन को अपने सर के ऊपर लस्सी की और खाने की ग्राम टोकरी लेकर आती, पता चलता मेहनत हो रही है, पूरा खानदान मेहनत कर रहा है और फिर बम बना होता एटम बम। तो जनाब सबसे पहले मैं इस तरह सलूट करता हूं इस तरह इस पूरे खानदान को। अब दूसरी पिक्चर देखिए, 80s की दहाई में पूरा पाकिस्तान जानता है, 80s के एंड तक जो है वो पाकिस्तान एटम बम बना चुका था,
उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। 80s और 90s के अंदर के जब एटम बॉम्ब और मिसाइल प्रोग्राम बन रहा था, अगर ये कहे ना, पहला तो मैंने लक्ष्य आपके सामने रख दिया, दूसरा 80s में और 90s में जब मैं और आप और हमारे वालदैन अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने एटमी प्रोग्राम की आबियाई कर रहे थे, मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नत और फरदौस में जगह दे उनकी आर औलाद हो, मैं दावे से कह रहा हूं सारे टीवी चैनल आज इनके टैक्स रिटर्न्स 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93 से लेकर 99 तक इनके टैक्स रिटर्न की जो है कापियां चलाए 200, 500, 2000, 5000 ये टैक्स देते थे और ये दावे करेंगे जनाब हमने आइटम बम बनाया और बम बम छिकी छिकी बम बम की जनाब ये गजल पड़े। फिर ये जनाब कहते हैं क्रूज मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग, इतनी बड़ा ब्लंडर किया है इस सुल्तान फखरुद्दीन ने, लेकिन क्या करे बेचारा, हरीसा खा खा के, निहारी खा खा के, तवा बख्शी खा खा के, पाए खा खा के, दही भल्ले खा खा के, दबाव में भी चेबी चढ़ी हुई है, जिसम में भी चेबी चढ़ी हुई है, 36 इंच का उसको घाटा है, मैं तो कहता हूं पसंद बताया कि उसकी तो टी शर्ट भी मिलती होगी ना बाहर ना अंदर, उसके दिमाग में भी चेबी चढ़ गई और भाई तू वजीर आजम रहा है, मैंने वजीर की हैसियत से हलफ उठाया है, गवर्नर वजीर की गवर्नर की हैसियत से हलफ उठाता है, वजीर आजम हलफ उठाता है, सदर पाकिस्तान हलफ उठाता है और वो तमाम हलफ आईने पाकिस्तान का मसला आप उठा के देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मैं रियासत पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और उसके कोई राज ड्यूरिंग अपने टेरियर मुझे अगर इल्म होंगे मैं पूरी जिंदगी अफशा नहीं करूंगा। तो जो हरकत इन्होंने की यकीन जाने सर शर्म से झुक गए। अब इन दोनों इश्यूज के ऊपर, एक तो ये एटम बम, दूसरा ये आपका क्रूज बुलाए, एटम बॉम्ब के हवाले से जो एटम बॉम्ब का मोजेद जाना जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तीसरों इंटरव्यू जो है पिछले 20 सालों के पाकिस्तान के और ब्रैकेट सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब तो इंडिया के मुकाबले में बम धमाके करने को तैयार नहीं थे, वो तो वो जो 5 अरब रुपए की है बिल क्लिंटन गहरा और अंदाज देने लगा था वो तो उसके ऊपर सोच विचार कर रहे थे। फिर गौहर अयूब साहब के जो उस वक्त उनके वजीर खारजा थे उनकी किताब मौजूद है, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा वो एटम बॉम्ब पर धमाका करने को तैयार नहीं थे इंडिया के मुकाबले में, लेकिन उस वक्त माहौल क्या था, उस वक्त माहौल अल्लाह पाक जन्नत और फरदौस की जगह दे काजी हुसैन अहमद साहब को, काजी हुसैन अहमद साहब ने मिलियन मार्च कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पिशावर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर वो मिलियन मार्च थे और उन्होंने डंडा दिया हुआ था कि अगर तुम नहीं करोगे बम धमाका तो हम तुम्हारा बम धमाका कर देंगे, तुम्हारी सियासत का बम धमाका कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफवाज, उन्होंने इनके बात को मजबूर किया कि इस रीजन के अंदर इस आरएसएस की सोच रखने वाली हिंदुत्वा के परमरदार रियासत इंडिया का हम मुकाबला नहीं कर सकते अगर हम उनके सामने डर गए। उन्होंने 5 अगर किए हैं तो हम 7 करेंगे, तब जाके मजबूरन क्या कहते हैं तंग आवत बदल आवत इन्होंने इनार हम धमाके हुए, उसका भी एक क्रेडिट देने की कोशिश इसी तरह जैसे क्रूज मिसाइल का, लेकिन उसका मैंने आपके सामने रख दिया। क्रूज मिसाइल के हवाले से डॉक्टर समर मुबारक मन साहब ने थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे परसों परसों ज्ञान देखे कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग क्रूज मिसाइल है कि आप टोटो से जनाब आप मिसाइल बनाना शुरू हो जाए तो जनाबे वाला सुल्तान फखरुद्दीन साहब बेगम सत्तरवान साहिबा आप बना सकते हैं करप्शन बम, आप बना सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग बम, आप बना सकते हैं अकबा परवरी बम, आप बना सकते हैं जाली अकाउंट्स बम,
आप बना सकते हैं टीटी बम, ये बम बम चिकी चिकी बम बम, ये आप यहां पे कर सकते हैं। आए बड़े बड़े आइंस्टाइन यार, हमें पता होता कि आप इतने बड़े आइंस्टाइन है तो जब आप बाहर जा रहे थे तो खुदा की कसम हम जाते वजीर आजम साहब की मेहनत करने कर लेते कि चलो यार अदालत तो नाहर हो गया, कायार तो बाहर, सियासत खत्म हो गई, चलो यार इनको किसी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के और एटॉमिक एनर्जी के किसी बुला दो, आप इतने बड़े आइंस्टाइन थे। लेकिन जनाब झूठ मत बोले, जितना झूठ बोलेंगे, फेक करेंगे, फ्रॉड करेंगे, आपके खाते में रुसवाई या घसाई आएगी। और आखिरी चीज, आले शरीफ आप लोग और सुल्तान मखदूमुद्दीन साहब और बेगम सदर रमान साहिबा और नूर लीग और मीन लीग सुन ले, शीन लीग तो बेचारी अंदर चुप है, ये सुन ले, आप लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन साइंसेज एंड मैनेजमेंट के अंदर पता है, जो ICSM ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन साइंसेज एंड मैनेजमेंट, इसके डीन प्रिंसिपल है सुल्तान मखदूमुद्दीन साहब, नवाज शरीफ साहब, इसके डीन है मियां शहबाज शरीफ साहब, इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, प्री इलेक्शन रिंग, पोस्ट इलेक्शन रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन डिपार्टमेंट, अकबा परवी डिपार्टमेंट, टीटी डिपार्टमेंट, जाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का एक एक हेड है, कैप्टन सत्तरवाल एक का हेड है, बेगम सत्तरवाल एक ही हेड है, हरदा शिपाल एक ही हेड है, और इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन साइंसेज एंड मैनेजमेंट इन्होंने चलाई, मंजूर पापड़ वाला, फलूदे वाला, कबाड़िए वाला, रेड़ी वाला, छापड़ी वाला, जो लोग पांच पांच हजार दस दस हजार के मुलाजिम, उनके अकाउंट्स के अंदर 10 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब 1.5 अरब, यार मैंने कभी नहीं सुना है, मैं भी रोज सुनेगा यार 1.5 अरब सोच के यार मेरे अकाउंट पे आ गए, रेडी वाले शादी वाले के अकाउंट पे आ गए, और फिर वहां आके कहा गए हमदा शहबाज साहब के अकाउंट पे, बेगम नुसरत साहिबा के अकाउंट पे, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, बेगम सत्तरवाल साहिबा के अकाउंट में, जुनेद सफदर के अकाउंट में, कैप्टन सफदर को बेचारे को 2000 रियाल के ऊपर रखा उस बेचारे साई को, उस साई को 2000 रियाल पर रखे, उससे आगे नहीं जाने देते, और यार कोई मंजूर पापा वाला उस कैप्टन सफदर को भी टकरा दे यार, पर उसके अकाउंट में भी चले गए। अब ये सारी मकैनिकियां और चलाकियां करें आप, और फिर आंखें दिखाए पाकिस्तान के रियासती इदारों को, आंखें दिखाए पाकिस्तान के अदालती इदारों को, आंखें दिखाए पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को, और बनने चले हैं नेल्सन मंडेला, और जनाब द्वार मंडेला है आप, नेल्सन मंडेला नहीं है, बनने चले हैं मौजे तुम, मौजे बनने चले हैं कायदे इंकलाब, बनने चले हैं अमाम खमीनी, नहीं जनाबे वाला, आप बाहर खाए पेस्ट्रिया, बाहर खाए पिज्जे, बाहर खाए बर्गर, बाहर खाए पिए कॉफी, बाहर फिरे पार्कों में, बाहर जनाब घूमेंगे फिरेंगे झूमेंगे, और वहां से घूम करके और फिर खुद ही नहीं अपनी सारी आवाज भी बुला ली, बुला के वहां से घूमे करके कहते हैं अपोजिशन लीडरों को तहरीक चलाओ, इंकलाब लेकर आओ, कायदे इंकलाब, हजरत अल्लामा सुल्तान मखदूमुद्दीन का कौन है तू जा ले आया, सुल्तान मखदूमुद्दीन ने फरमाया खुद ही आना अपने बच्चों को, हुसैन नवाज, हसन नवाज, अली इमरान, सरदार शहबाज, इसहाक डार, अली डार, सारे पाए खरबों डॉलर लूट के 900 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली, और इधर गरीब बच्चों को नून लीग का वोटर मुहिब्बे वतन है, नून लीग का सपोर्टर मुहिब्बे वतन है, नून लीग का एमएलए मुहिब्बे वतन है, नून लीग का एमपीए मुहिब्बे वतन है,
इन दो सालों के अंदर पता चल गया है इन फनकारों और अदाकारों का कि कितने बड़े फनकार और अदाकार और कलाकार है, वो बेवकूफ नहीं है कि वो इनकी नाजायज सियासी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए उनका ईंधन बने और अपने बच्चों को जो सड़कों पर लाए और आंसू गैस और शहर के निशाना बनवाए और इनके बच्चे बार बार के जगह गिनती करें नोटों की और कर करके थक जाए 10 करोड़ 20 करोड़ 10 अरब 20 अरब 30 खरब 40 खरब डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, वाट में, धर्म में, रियाल में, और इधर लाठी गोली छल गरीब का बच्चा नूरुद्दीन के वर्कर नहीं भाई, इस तरह की सियासत नहीं होगी इंशाल्लाह। और बाकी आखिरी बात, इंशाल्लाह मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शन होगा जिसके लिए एक पेटों में रोड उठे हुए हैं और पीटीआई भारी एक सीरीज से जीतेगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी होगी ना वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क्यादत में मुल्क की कानून और तरक्की के लिए वो फिर सारी दुनिया देखेगी, तो सारों को नजर आएगा कि इस मुल्क को दुनिया के अंदर एक तरक्की याफ्ता एथिकल मॉरल मजबूत भरपूर मुल्क बनाने के लिए कानून साजी भी होगी और फिर सही जिद्दोजहद होगी जो हमारे रास्ते में रुकावट है इस वक्त सेना के हवाले से। और इंशाल्लाह 2023 तक पूरे छपछपा के साथ दिन की रोशनी में चांद की रोशनी में हाके पुकारे पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अगला टेन्योर भी इंशाल्लाह 2023 का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का होगा। बहुत शुक्रिया। उनको क्यों जाने दिया गया, क्यों आपको पता नहीं था जो बीमार है या नहीं है, उसमें क्या डील थी वो बताए पाओ। अच्छा, आपने कहा छिको छिकेरिया तो डेरिया तो डेरिया नहीं था, ये आले शरीफ है, ये कहता है छिको छिकेरिया तो डेरिया बाकी दो ही डेरिया डेरिया नहीं कहीं कोई नहीं है, हुआ कैसा ये बताए। ठीक है, बात ये है इस पे सारी दुनिया जानती है, आप भी माशाल्लाह कैमरामैन साफी सारे जानते हैं, मीडिया भी जानता है, वो जो आखिरी एक महीना था उसमें बेगम सफदर रहमान साहिबा के ट्वीट का और डॉक्टर अदनान के टीके, उन्होंने ऐसी शोहरत उचाई थी, ट्वीट हर 3 मिनट बाद एक आता था बेगम सफदर रहमान साहिबा का, कितने प्लेटलेट्स ऊपर हो गए, इतने नीचे हो गए, इतने दाएं हो गए, इतने बाएं हो गए, और 7-5 बार ट्वीट आता था ना हर 4 के बाद, वो होता था कि अगर मेरे अब्बा जी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब होगी और हम उनके खिलाफ कतल का पर्चा कराएंगे। सारा मीडिया परेशान, पाकिस्तान की आवाम परेशान, मैं खुद परेशान था, मैं सच्ची बात करूं, आखिरी 20 दिनों में मैंने भी ये राय दी थी और दो बार इन पटोला वाले है जो आकर जिंदा है सदगी आवाम होता है वो जिंदा है। ठीक है ना जी, फिर आप मीडिया की सुबह से लेकर रात तक कवरेज देख रहे, उस वक्त के लोग एक महीना था और आखिर 15 दिन हर तजिया निगार, हर एंकर और हर टीवी चैनल सुबह ही सुबह आप खेलते खेलते जनाब शुरू होती थी, जुल्म है, जबर है, इनको इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अजीब गरीब एक माहौल बन गया। सारों ने कहा नहीं यार, मैं साहब उन्होंने जनाब अदालतों ने रिलीफ दिया, हमने रस्ते में रुकावट खड़ी नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने जनाब देख के कहा जी मैं जमानत देना है, मैं देना है, जान दो मेरे भाई, मैं जिम्मेदार हूं, बाहर मुकर गए कि जमानत। ठीक है ना, मुलाक बात फिर मैंने पूरी वो दिखाई थी जरा, मैंने भाई आई जमानत, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई ना उसे तजवानों को ना उन्हें, तो वो तो गए मारे राज के लिए, अब वो पंजाबी का मामला है कि दूध दिहाड़ी तो उन्हें खुला हुआ दिल्ली या शर्म करनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के अदालों ने पाकिस्तान की हुकूमत ने इलाज के लिए भेज ही दिया तो भाई खुद थोड़ी सी शर्म कर लो, अपना इलाज कराओ और इलाज करके वापस आ जाओ। तो अब अगर उन्होंने ये
ट्रैक तैयार कर लिए, उसका इंजाम ज्यादा वो इंशाल्लाह और हमारे यहाँ खातीन अपने मियाँ के साथ शादी के बाद नाम लिखाना भाई से इम्तियाज भाई से फखर समझे मैं तो इज्जत दे रहा हूँ देखो सत्तर बाल साहब को भी और साई को भी कह रहा हूँ आप हंस रहे मैं बार बार साई को कह रहा हूँ खुद से एक दिन कहा था कि मैं तो साई हूँ मैं तो मनाऊंगा दुनिया को जितना खुद कहा था उसने तो मैं यकीन जाने मुझे कुछ लोग बताते हैं रूल लिख के कि जितना कैप्टन सत्तर अमान मेरे से खुश है उतना किसी और से खुश नहीं है यार केवल जब भी फिलहाल कुरान प्यार देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मेरी इज्जत मर्तबा और वकार में इजाफा करता है वरना लोग जब कोने पाव में रखना है जाए तो जब मैं तो इज्जत एतराज हूँ पाकिस्तान के टैक्सों का पैसा लूट के इनके चेहरों की जो लालिया है ना लालिया
ये मेरा और आप पर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का खून चूस के आई हुई है। मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो ऑनलाइन खिताब कर रहे हैं उनका फोकस पंजाब पे है, क्या आप समझते हैं कि वो पंजाब पे हंगामा आई और अनार्की पैदा करना चाहते हैं, और क्या इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब के खिलाफ बगावत के इल्जाम में कोई मुकदमा करना चाह रही है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। मैं कर्मी का आज दोबारा दोहरा देता हूँ, ये पाकिस्तान की मवेशी मूवमेंट बनेगा, दुनिया बनेगा, ये दरख्तों में चढ़े, ये ठगों में चढ़े, ये कंटेनर पे चढ़े, ये ठगों की तारों पे चढ़े, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास है, ये जो मर्जी करे। एक एनआरओ नहीं मिलेगा, दूसरा एक करप्शन के केसेस में इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, और तीसरा जनाब शौक से चलाए, कहां से चलाए? मौलाना फजल रहमान साहब को जनाब हलवा खा रहे हैं इस वक्त जनाब वादी रिलम में, और मेडिकल साइंस में आपको बात बता दू, सुने एक और बात, मेडिकल साइंस कहती है कि मीठा और हलवा खाने वाले का दिमाग खोल तेज चलता है, और मीठे का ताल्लुक डायरेक्ट दिमाग के साथ होता है। ये मेडिकल साइंस अभी एक्सपर्ट हो रहे होंगे मेरी बात को और करेंगे। खट्टे का ताल्लुक जरा कुछ और होता है, मीठे का ताल्लुक दिमाग से होता है, दिमाग से, और जो हलवा खाता हो वो इतना नजर नहीं आ रहा, तो आगे वो आपसे कहीं डील तो नहीं कर रही और नून लीग को फाड़ के बाद पीपल्स पार्टी? सर यही की जो नून लीग का बयान है वो पीपल्स पार्टी का नहीं नजर आ रहा है, जैसे वो अफवाह पे हमला कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का नहीं नजर आ रहा, तो क्या मैंने आपको शुरू में कहा कि सिर्फ 5 मिनट की ठंडी ठंडी उठी उठी गुफ्तगू की थी सरदारी साहब, सरदारी साहब बेचारे इस पर लाठी पकड़ के चल रहे हैं, स्टेशन पे आया तो रहा तो करूंगा जिंदगी पूरी जान, बलबीरो सैनवा का जिसने टिकट ब्लैक कर करके कहा आज वो सदर पाकिस्तान जो बन गया, वो इतना सारा आदमी नहीं हो सकता ना। तो उसने क्या किया, उसे पता था यार फ्यूचर के अंदर कोई कभी कोई वक्त बना तो कोई एक 5 में जो घर से निकले करने चले चार, एक चूहे को आगे खासी बाकी रह गए चार, उन्होंने कहा एक को तो कम से कम कवर करो ना, उन्हें पता था ये एंग्री प्लान है, ये दिमाग से फारे में हरी से खा खा के, उन्होंने कहा इसको पूरा घंटा दो, इसको आप खुल के तकलीफ था सुनिए अगर गलिया में मिलता याद बचे, ठीक है ना जी, उसने खोल के तकलीर की, शीन लीग का सारा कोई बंद कर दिया, बिल्कुल जाकर 2 दिन बाद कहा भाई मेरी जमानत वापस लो, मेरी तोबा, नून लीग जाए तो नून लीग जाए, मैं अंदर जा रहा हूँ। तकरीब के जो नुकात हैं, माशी पर, बाली,
कमल जी दोनों ने उस वक्त बाद में जो ओपन किया उसमें क्या हुआ था, उन्होंने आपकी हुकूमत नहीं कर रहा सेवी फंड है बाकी लोग निकालना ये गलत प्रश्न था। मीशत की बहाली जो होगी अवाम का बुरा हाल हो गया, आके का बुरान आज की लाहौर में नहीं है 1100 रुपये 20 की पहुँच गया है, तो ये जो आपकी गोला बांधी है इससे अवाम को क्या मिलता है, जो अवाम कह रही है मुझे याद नहीं करता उस विपाद पर बात क्यों नहीं करती, तो मार्शल में उठाए हैं आपने तकरीर में आपने 2 घंटे की तकरीर की किसी एक विपाद का जवाब आपने दिया तो ये विपाद है इसलिए हमें जवाब देना पड़ जाएगा। मेरा सवाल इसमें शामिल है कि आप उसे पूछ रहे हैं कि बहुत लंबे इसके जवाब है, मैं आपसे कहता हूँ मैं छोटा सा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकली जरा इकोनॉमिक्स के भी पिछले 40 साल से स्टूडेंट है, कभी भी किसी दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट को ये कोई थ्योरी बता रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स की या माइक्रो इकोनॉमिक्स की या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर ये लिखा हो कि इकोनॉमी मुल्कों की और भाषाओं की वो 1-2 साल के अंदर रिसेशन का शिकार होती है या बूम का शिकार होती है। मैं चैलेंज दे के कहता हूं लॉर्ड केस को ले आए, आदम स्मिथ को ले आए, से को ले आए, किसी को भी ले आए, मुझे कोई थ्योरी बता दे, हर एक इकोनॉमिस्ट दुनिया का जब से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसका ये कहना है, उसकी ये थ्योरीज है कि रिसेशन बदहाली और बूम खुशहाली इकॉनमी की वो कम से कम 10 से 15 साल की कंटिन्यूस एक्ट्स होते हैं, फैसले होते हैं, पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से इकॉनमीज के अंदर मुल्कों के अंदर आते हैं। ये मौजूदा बुरे हाल मौजूदा हुकूमत का कोई तर्जमान इसको डिफेंसिव डील करे तो करे, फैयाज हसन चौहान डिफेंसिव डील नहीं करेगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मौजूदा महंगाई मौजूदा जो भी चीजें हैं नेगेटिविटीज इकॉनमी की 100% आर पाकिस्तान ग्रुप वाला एसोसिएशन जो आज के पीडीएम की सूरत पे है उसके 40 साल अमूमन और उसके आखिरी 10 साल खसूसन उसकी वजह से। अच्छा चौहान पूछते हैं कि जज्बा उम्र मदनी मोदी जो है वो पूरी पाकिस्तानी को उसमें सवाल पूछता हूं, मोदी पाकिस्तान का दोस्त है, बीजेपी पाकिस्तान की दोस्त है, आरएसएस पाकिस्तान की दोस्त है, एडियन राव पाकिस्तान की दोस्त है, अजीत देव पाकिस्तान का दोस्त है, आप सारों का जवाब नहीं, नहीं। अब देखो मोदी को आप अपनी नवासी की शादी से बुलाते हैं जो प्री डिफाइंड रियासत के रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिप्लोमेटिक उनको वायलेट जाती हैसियत उस वक्त जब इज्तमाही कबरें खुद रही थी कश्मीर के अंदर ये आज बेगम सदर अवान साहिबा और ये सुल्तान मफरूनुद्दीन बड़े मामे चाचे तारे पुत्र वाले कश्मीर पास के मुंह ना मथा का जो पालन था इनसे मैं पूछता हूं कि जब इज्तमाही कबरें जब मुजफ्फर वाली और जब जो है वो नित नया किस्म का असला कश्मीरी भाइयों बहनों बेटियों के ऊपर और उनकी माओ बहनों बेटियों की इस तरह असल में लुट रही थी उस वक्त मोदी के हाथ में 5 उंगलियां डाल के मोदी को अकल लेके जा रहे हैं बुला के, दूसरा आ गया जीत देव शैतान जिसकी जिंदगी का एक मिशन है जो अपने मुंह से कहता है कि पाकिस्तान को 300 में छीन करना, उसकी 5 उंगलियों में हाथ डाला होता शहबाज शरीफ साहब ने, आप पूछते हो जज्बे हुकूमत की आप कहते चीजें ऐसी ऐसी मेरे पास है मैं निकाल नहीं सकता, कुछ चीजें ऐसी है जो उन्होंने हत्या की अपने 5 साल के इकदार में, हिस्ट्री है कि इंडिया का दौरा पाकिस्तान का वजीर आजम के सदर करेगा वहां हुरियत के रहनुमाओं से मिलेगा, पहली तो वहां हिस्ट्री किसने तोड़ी, जिंदाल पूरी दुनिया के अंदर इंडियन रॉ का फाइनेंशियल फ्रंटमैन ज्यादा माना पहचाना और पहचाना जाता है, उसे जारी किसने लगाई,
पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण से लिया गया पकड़ा गया। आज शिवाजी साहब ने आपके सामने डिटेल रखी है, मैंने ख्याल की नहीं दोहराई। वो तस्लीम शायद जाते खारजा की तजुबान थी और पूरे का पूरी हुकूमत और अपनी जो फ्रंटलाइन स्टेबलिशमेंट थी नवाज शरीफ का सख्ती से हुक्म था कि किसी ने कुलभूषण से लिया देख का नाम नहीं लेना। और मुझे 2015 या 2016 का वो जनरल असेंबली का इजलास का याद आता है, सुषमा स्वराज जो दुनिया से चली गई है, इतना सा कद था ठीक नहीं थी, लेकिन उसने जिस जुर्म के साथ अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठा एक दहशतगर्द झूठा जो हिंदू था असल में उसको मुसलमान शहर करके लश्कर तैयबा और आईएसआई का हैंडल करार देके पूरी झंडे की तकरीर की थी जब ये बैठे हुए थे ये साहब बहादुर सुल्तान मसरूरुद्दीन वहां पे, और उस वक्त 2 महीने हुए थे कि कुलभूषण सिंह यादव के गिरफ्तार हुए, ताजा तरीन हर चीज मौजूद थी, दलाइल मौजूद थे, अल्फाज मौजूद थे, आर्गुमेंट्स मौजूद थे, जस्टिफिकेशन मौजूद थी, इंडिया को लेट डाउन करने की इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिजेक्ट करने की, रिसर्च करने की, वेरीफाई करने की, गंदा करने की। सुल्तान मसरूरुद्दीन ने एक लफ्ज कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से नहीं बोला। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये बात कहकर फिर मैं खत्म करूंगा। हमारे मशरकी माशे के अंदर ना औरतें अपने मियां का नाम नहीं देती, लेना पड़ गया तो कहती है मुन्ने के अब्बा ने यह कहा। और खुदा के बंदो इसने मुन्ने के अब्बा के तस्कर पर भी कभी कुलभूषण सिंह यादव का नाम दे दिया। यार तू नाम ना ले कुलभूषण सिंह यादव, तू यही कह रही थी यार कोई इंडिया में एक हमने दहशत गर्द पकड़ा है वो ईरान से आया तो यहां से आके उसने ये किया, मुन्ने के अब्बा के तर्स के रूप पर भी इसने कभी कुलभूषण सिंह यादव का नाम नहीं लिया। तो फिर भी आप कहते हैं कि इसके जज्बे अच्छा